नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। टुडे इज 12th जुलाई 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स ऑफ हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी। आज का हमारा पहला न्यूज है लंबानी एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड। रिसेंटली एज ए पार्ट ऑफ थर्ड G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन हम्पी, जो एक रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी G20 की हम्पी में, और उसमें एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना एंड इट वॉज क्रिएटेड बाई द लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लंबानी आइटम्स। तो लंबानी आइटम्स को वहां पर डिस्प्ले किया गया था और ये एक तरह का आप कह सकते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो आखिर ये लंबानी है क्या, थोड़ा इसको समझते हैं। इट इज बेसिकली द लंबानी एम्ब्रॉयडरी इज एन इंट्रिकेट फॉर्म ऑफ टेक्सटाइल एम्बेलिशमेंट कैरेक्टराइज बाई कलरफुल थ्रेड, मिरर वर्क एंड स्टिच पैटर्न। ये आपको दिख रहा होगा, ये नॉर्मली आमतौर पर इंडियन ड्रेसेस में आपको ऐसा दिखता होगा। तो ये बेसिकली एक तरह का कलर्ड थ्रेड का यूज होता है, एक बहुत ही इंट्रिकेटली डिजाइन ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसमें कलरफुल थ्रेड और मिरर्स का यूज होता है। एंड इट इज प्रैक्टिस इन सेवरल विलेजेस ऑफ कर्नाटका सच एज संदूर, किरी तांडा, मरियम्मा नहाली एंड कदीरामपुर। ठीक है, तो ये बेसिकली वहाँ पर बनता है। एंड द लंबानी क्राफ्ट ट्रेडिशन इन्वॉल्व स्टिचिंग टुगेदर स्मॉल पीसेस ऑफ डिस्कार्डेड फैब्रिक्स टू क्रिएट ए ब्यूटिफुल फैब्रिक। मतलब ये डिस्कार्डेड फैब्रिक से बनता है, जो कपड़े वगैरह खराब हो जाते हैं उनसे बनाया जाता है ये। And this embroidery had also found a place in the list of products with GI tag in our country. तो ये एक GI tag भी है, इनको GI tag भी मिला हुआ है हमारे जो GI tag indicators में, indications में। Next अगर देखा जाए इसका तो the Lambani are also known as Banjaras, इसको Banjaras भी बोला जाता है, and most of them are found in Telangana, Andhra Pradesh and Karnataka state in South India. This community settled across the country with different names have permanently abandoned their nomadic lifestyle and settled in their settlement called Tandas. ठीक है, तो ये basically ये अब ये जो लोग हैं जो ये बनाते हैं basically वो उन्होंने अपने nomadic life को छोड़ के अभी ये permanent settlement करते हैं and उस permanent settlement को बोला जाता है Tandas. They speak Gorboli also called Lambadi which belongs to the Indo-Aryan group of languages and Lambadi has no script. हालांकि इसका कोई script वगैरह नहीं है। ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो है तीज ड्यूरिंग सावन मास में इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड इन दिस फेस्टिवल यंग अनमैरिड बंजारास गर्ल प्रे फॉर ए गुड ग्रूम्स। तो आमतौर पर आप जानते भी होंगे तीज वगैरह के लिए। एंड वहाँ पर बेसिकली उस सेशन उस पीरियड में फायर डांस होता है एंड चारी आर द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ बंजारास पीपल। तो ये कुछ प्रोविजन है बंजारा लोगों का। चलिए अपने अगले न्यूज पर चलते हैं एंड दैट इज ई डार प्रोजेक्ट बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है एंड यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये सारे स्टेट और यूटी हैज स्टार्टेड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट। देखिए आमतौर पर कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट जो रोड एक्सीडेंट जो होते हैं या बाकी और भी एक्सीडेंट्स देखा जाए तो बहुत हद तक कभी कभी क्या होता है मालूम नहीं चलता कि किसका क्या पर्सन है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव चालू किया है ई डार प्रोजेक्ट। और इसमें सारे स्टेट्स और यूटीज इसमें इन्वॉल्व होंगे और वो जितने भी रोड के एक्सीडेंट्स होंगे उसको इलेक्ट्रॉनिकली रिपोर्ट किया जाएगा एंड रिकॉर्डिंग रोड क्रैशेस एंड ओवर 7 लाख एक्सीडेंट हैव बीन रजिस्टर्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट द इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस IRAD दैट इज ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इसको इनिशिएट किया है एंड इट इज फंडेड बाई वर्ल्ड बैंक इसको फंड कर रहा है। Objectives वही है, to project the aims to develop an integrated road accident database to enrich the accident database from every part of the country. The project would generate various types of insight by analyzing the collected road accident data across the country through implementations of data analytics technique. और इसके बारे में देखा जाए तो ये काम कैसे करता है। द मोबाइल एप्लीकेशन विल इनेबल पुलिस पर्सनल्स टू एंटर डिटेल्स अबाउट ए रोड एक्सीडेंट अलॉन्ग विद फोटोज एंड वीडियोज फॉलोइंग विच ए यूनिक आईडी विल बी क्रिएटेड फॉर द एक्सीडेंट and subsequently an engineer from the public works department or the local body will receive an alert on his mobile devices. He or she will then visit the accident site, examine it and feed the required details such as the road design and all. And data thus collected will be analyzed by a team IIT Madras which will then suggest if corrective measures in road design need to be taken. देखिए ये पूरा जो मतलब ये exercise का main role ये है कि कहीं faulty road design के चलते तो हमारा accident नहीं हो रहा, ये भी जानने की बात है। प्लस ये भी है कि ड्यू टू रोड मेंटेनेंस बहुत हद तक ये भी होता है हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट्स के रीजंस ये भी होते हैं कि जो रोड होते हैं या तो वो मतलब टूटे हुए रहते हैं जिसके चलते गाड़ी चलाते वक्त बहुत सारी और भी दिक्कतें होती है जिसके चलते भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं।
तो ये चीज डाटा फीड किया जाएगा और ये एक टीम एनालाइज करेगी, हमारे आईआईटी जो मद्रास की जो टीम होगी वो एनालाइज करेगी इस फॉल्टी रोड डिजाइन के लिए, और अगर कुछ ऐसा है तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। तो दिस इज द इनिशिएटिव रिगार्डिंग द ई डाट प्रोजेक्ट। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। अगला जो न्यूज है वो बर्कलोसिस डिजीज से रिलेटेड है। रिसेंटली ए 7 ईयर ओल्ड गर्ल फ्रॉम केरला वॉज रिसेंटली अफेक्टेड बाय द कॉन्टेजियस बर्कुलोसिस डिजीज मोस्टली फाउंड इन कैटल ब्रीड्स। तो ये बेसिकली कैटल ब्रीड में ये बर्कुलोसिस होता है, बट रिसेंटली एक गर्ल फ्रॉम केरला हैज बीन अफेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर डिजीजेस। अब इस तरह के डिजीज को हम लोग जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। जूनोटिक डिजीज मीन्स विच यूज टू बी इन्फेक्ट एनिमल्स बट नाउ इट इज इन्फेक्टिंग ह्यूमन बींग। तो इसके बारे में अगर जाना जाए तो बर्कुलोसिस डिजीज इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दैट इज स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू पीपल, मीन्स जूनोटिक डिजीज, एंड इट इज कॉज्ड बाय वेरियस ब्रुसेला स्पीसीज विच मेनली इन्फेक्ट कैटल्स स्वाइन गोट शीप एंड डॉग्स। एंड वर्ल्ड वाइड ब्रुसेला मिलिटेंसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज कॉजिंग ह्यूमन बर्कुलोसिस। तो ये थोड़ा नाम याद रख लीजिएगा इस बैक्टीरिया का, ब्रुसेला, ठीक है। एंड ब्रुकुलोसिस इज फाउंड ग्लोबली एंड इज रिपोर्टेबल डिजीजेस इन मोस्ट कंट्रीज, इट अफेक्ट्स पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड बोथ सेक्सेस। हाउएवर ए पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इज रेयर, लगभग ये रेयर होता है, और पर्सन टू पर्सन नॉर्मली ये ट्रांसमिट नहीं होता, ये नॉर्मली एनिमल से ह्यूमन बींग को ही ट्रांसमिट होता है, ये नहीं कि ह्यूमन से ह्यूमन को ट्रांसमिट हो। एंड इसका जो ट्रांसमिशन है मोस्टली कॉमन पीपल्स आर इन्फेक्टेड बाई ईटिंग रॉ और अनपेस्टराइज डेयरी प्रोडक्ट्स। तो जो रॉ और अनपेस्टराइज जो डेयरी प्रोडक्ट्स होता है उसको खाने से भी होता है। एंड समटाइम्स द बैक्टीरिया दैट कॉज ब्रुकुलोसिस कैन स्प्रेड थ्रू द एयर और थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स। तो ये कुछ ट्रांसमिशन के रेट्स होते हैं। ब्रुकुलोसिस अगर बोला जाए इट इज एन इन्फेक्टिशियस डिजीज कॉज बाई बैक्टीरियल कॉल्ड ब्रुसेला। तो ये थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट जूनोटिक डिजीज के बारे में अगर समझेगा तो जूनोसिस इज एन इन्फेक्टिशियस डिजीज दैट जम्प्स फ्रॉम ए नॉन ह्यूमन एनिमल्स टू ह्यूमन। एंड जूनोटिक पैथोजेंस मे बी बैक्टीरियल, वायरल और पैरासाइटिक, एंड दे कैन स्प्रेड टू ह्यूमन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और थ्रू फूड, वाटर एंड द इन्वायरमेंट। तो ये कुछ जूनोटिक डिजीज है। और भी जूनोटिक डिजीज के बारे में देखा जाए तो इबोला, जीका, अलॉन्ग विथ हमारा ये बर्ड फ्लू हो गया, आपके स्वाइन फ्लू वगैरह हो गए, ये सब क्या है आपके जूनोटिक डिजीजेस है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हम अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। अगला जो न्यूज है वो है वेनस से रिलेटेड। एंड रिसेंटली एक वेनस में एक डिस्कवरी हुई है कि वेनस के एटमोसफेयर में फॉस्फीन डिटेक्ट हुआ है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि फॉस्फीन अगर बोला जाए तो ये इट शोज और इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सम सिविलाइजेशंस। कुछ समय पहले आपको मालूम होगा कि मार्स में मतलब स्पेस में आपका मिथेन भी मिला था। तो नाउ वी आर गेटिंग द एविडेंस ऑफ सम सिविलाइजेशंस, एटलीस्ट एक एविडेंस आ ही रहा है। तो न्यूज ये है कि रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिटेक्टेड फॉस्फीन एट डीपर लेवल इन वीनस एटमोसफियर दैट बिफोर यूजिंग द जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप एट मावा किया ऑब्जर्वेटरी हवाई, ठीक है। तो वहां से कुछ मालूम चला है। इसके बारे में और समझा जाए तो फॉस्फीन ऑन अर्थ इज डेवलप्ड नेचुरली बाय बैक्टीरिया, इसको बैक्टीरिया डेवलप करता है दैट लीव इन वेरी लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट, तो बहुत कम ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में ग्रो करता है। मतलब इट मींस इफ इट इज प्रेजेंट देयर इट माइट बी सम बैक्टीरिया इज ग्रोइंग एंड वो बैक्टीरिया के मतलब लगभग उस एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन तो हो गई। सो टू प्रोड्यूस फॉस्फीन अर्थ बैक्टीरिया टेक अप फॉस्फेट फ्रॉम मिनरल्स और बायोलॉजिकल मटेरियल्स एंड एड हाइड्रोजन। तो जो बैक्टीरिया होता है हमारे इन्वायरमेंट से फॉस्फेट लेता है मतलब अर्थ से, और उसमें ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन मिलाकर उसको फॉस्फीन जनरेट करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजन फॉस्फाइड, इसको हाइड्रोजन फॉस्फाइड भी बोला जाता है। प्रॉपर्टीज क्या है, इट ये कलरलेस होता है, फ्लेमेबल होता है, एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस विथ दिस एग्रीबल गार्लिक लाइक ऑर्डर, ठीक है। एंड इट इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस और हॉट वाटर ऑन वाइट फॉस्फोरस और बाई रिएक्शन ऑफ वाटर विथ कैल्शियम फॉस्फाइड। It is structurally similar in ammonia, but phosphine is the much poorer solvent than ammonia and is much less soluble in water. तो पानी में जल्दी सोल्यूबल नहीं होता है compared to ammonia. So, what is the use of phosphine? Phosphine is used in semiconductor and plastic industries in the production of a flame retardant and as a pesticides in stored grains.
तब ग्रेन वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसको पेस्टिसाइड्स के तौर पे इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट वो ये भी तो कह रहे हैं कि देयर कैन कुड बी पॉसिबल होस्टिंग ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ इन वीनस। ये भी बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह आर्टिकल्स में मिल रहा, जैसे इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज़ है कि देयर कुड बी पॉसिबली बी द होस्टिंग वीनस बी होस्टिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। तो जो भी सच हो इसको देखा जा सकता है, बट समवेयर अदर वी आर गेटिंग द एविडेंस ऑफ एक्स्ट्रा मीन्स व्हाट यू कॉल इट सम अदर सिविलाइजेशंस, सम सिविलाइजेशन इन द स्पेस और वीनस, और देयर कुड बी सम अदर रीजन ऑल्सो, बट इट नीड टू बी डिस्कवर्ड। नेक्स्ट अगर देखा जाए की फैक्ट्स अबाउट वीनस के बारे में, तो इट इज अर्थ क्लोजेस्ट प्लैनेटरी नेबर एंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट स्लाइटली स्मॉलर देन अर्थ। ये अर्थ से स्मॉलर है। इट इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इट इज रॉप्ड इन ए थिक टॉक्सिक एटमोसफेयर दैट ट्रैप्स इन हीट। इट्स सरफेस टेम्परेचर रिचेस ए स्कॉर्चिंग 880 डिग्री फारेनहाइट एंड इट रोटेट्स वेरी स्लोली ऑन इट्स एक्सिस। वन डे ऑफ वीनस इज ऑलमोस्ट अराउंड 243 डेज अर्थ, मतलब लगभग 243 दिन होता है एक दिन वीनस में। एंड अनलाइक द अदर प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम वीनस स्पिन क्लॉकवाइज इन इट्स एक्सिस। तो ये वीनस जो होता है क्लॉकवाइज मूव करता है और बाकी सारे प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा। तो दैट इज रिगार्डिंग द वीनस। चलिए अपने अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला जो न्यूज है वो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स से है। तो रिसेंटली द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट टोटल ऑफ 450 मिलियन पीपल्स मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया विद इन जस्ट 15 ईयर्स फ्रॉम 2005 टू 2006 टू 2019 2021। ठीक है, तो लगभग ये अच्छी बात है, 415 मिलियन पीपल पॉवर्टी से निकले हैं। नेक्स्ट की फाइंडिंग्स है, इट सेड दैट अराउंड 25 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया सक्सेसफुली हाफ्ड देयर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वैल्यू विद इन 15 ईयर्स शोइंग दैट रैपिड प्रोग्रेस इज अटेनेबल। एंड द रिपोर्ट नोटेड दैट डिप्रिवेशन इन ऑल इंडिकेटर्स डिक्लाइन इन इंडिया। सारे इंडिकेटर डिप्रिवेशन जो जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं उसमें सब में कमी आई है। द पुअरेस्ट स्टेट एंड ग्रुप्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस एंड पीपल इन डिसएडवांटेज कास्ट ग्रुप्स हैड द फास्टेस्ट एब्सोल्यूट प्रोग्रेस। In India, those people who are multidimensional, poor and deprived under the nutritional indicators have declined. वो भी कमी हुई है। And children under the age of 18 account for half of MPI poor peoples. And next, the poverty rate among children is 27.7%, while among adults it is 13.4%. The countries halved their MPI in period as short as 4 to 12 years. नेक्स्ट ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बोला जाए, तो इट वॉज डेवलप्ड बाई द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशियटिव। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2010 एंड इट कंस्ट्रक्ट्स ए डिप्रिवेशन प्रोफाइल ऑफ ईच हाउस होल्ड एंड पर्सन थ्रू 10 इंडिकेटर्स स्पैनिंग हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंक्लूड्स बोथ इंसिडेंस एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। तो ये 2010 में चालू हुआ था और इट इंक्लूड्स दिस वन। इसके थ्री डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी होता है, एक तो हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड एंड लिविंग स्टैंडर्ड, और इसके 10 इंडिकेटर्स हैं। तो हेल्थ में दो इंडिकेटर्स है, दैट इज द न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टैलिटी। एजुकेशन में देखा जाए तो ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस कितना है। एंड लिविंग स्टैंडर्ड में देखा जाए तो कुकिंग फ्यूल है कि नहीं, सैनिटेशन कैसा है, वाटर मिल रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोर एंड एसेट्स, तो ये क्या है। तो दैट इज रिगार्डिंग द इंडिकेटर्स है, दैट इज रिगार्डिंग ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। So that's all for today in daily news analysis. And those students who want to download the PDF of this particular lecture, आप हमारे वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। And along with that, you can also visit our Telegram channel, जहाँ पर बहुत सारे study materials available हैं। So whatever you need, you can get those study materials from our Telegram channel. उसमें बहुत सारे और भी स्टडी मटेरियल्स हैं, बाकी बेसिक नोट्स वगैरह भी है अगर आप यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। एंड रिसेंटली वी हैव आल्सो स्टार्टेड आवर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन फाउंडेशन बैचेस। अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, यू कैन ज्वाइन आवर लीड क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। और ऑफलाइन सेंटर्स के लिए अगर ऑफलाइन क्लासेस आपको करना है तो यू कैन विजिट आवर दिस ब्रांचेस। For more information, you can log in to our website or you can call in this number 9999405684. The number you can call. It is an All India Helpline number. You can call in this number. That's all for today. And please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page for such other video contents. Thanks for watching and please do take care of yourselves.